हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। कल हमने क्या इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसमें क्या था, हमने सबसे पहले देखा था राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद आपकी कौन सी थ्योरम देखी थी, पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद देखे थे आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं, साइन, कोस, टेन और 3 जस्ट अपोजिट होते हैं इनके, कौन से, कोसेक, सेक और कोटेन। ठीक है, ये पढ़ लिया था। उसमें कल एक चीज रह गई थी, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स जो रेशियोज होते हैं उनके क्या है, इनवर्स और होते हैं। तो भैया यहाँ पर मैं इनवर्स लिखा रहा हूँ उनके, यहाँ और लिख लो उनको बस। इनवर्स कैसे होते हैं, शायद लिखाए नहीं थे कल। जैसे भैया पहला होता है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन होता है कोसेक का, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/4 कोसेक थीटा। साइन का इनवर्स क्या हो गया, कोस, या कोस का इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 1/4 साइन थीटा के। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है भैया आपका कोस थीटा, कोस थीटा किसका होता है भैया, कोस होता है सेक का, और सेक किसका हो जाएगा भैया हमारा, सेक हो जाएगा कोस का इनवर्स से 1/4 कोस। एक और बच गया देखो, साइन कोस टेन, तो तीसरा बच गया भैया आपका कौन सा, टेन थीटा, टेन किसका इनवर्स होता है, कोट का, तो 1/4 कोट थीटा, और कोट हो जाएगा किसका, टेन का, कोट थीटा हो गया भैया 1/4 टेन थीटा। ये हो गया हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के इनवर्स। साइन का अपोजिट कोस, कोसेक, सॉरी साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का साइन, कोस का सेक, सेक का कोट, सेक का कोस, ठीक है भैया, और टेन का क्या हो जाएगा, कोट, और कोट का हो जाएगा टेन। ये होते हैं हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इनवर्स। इनके अलावा दो फॉर्मूले और हैं आपके, कौन से, जैसे पहला है भैया आपका टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। और दूसरा होता है कोट थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 8.1 में आपके 8 फॉर्मूले निकल के आते हैं, कौन से, कि साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, 1/4 कोसेक में, कोसेक को किस में चेंज कर सकते हैं, 1/4 साइन में, ऐसे भी है टेन के और कोट के अलग निकल के आते हैं दो। एक तो होता है जैसे टेन निकालना है तो 1/4 कोट थीटा, दूसरा हो जाएगा टेन का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट का हो जाएगा भैया आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, इनको नोट कर लेना। इसके बाद करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1। तो देखो भैया 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें नोट कर दिया यहाँ पर, इससे पूरा समझ लेंगे। इसमें दोनों एंगल दिए गए हैं आपके, मतलब एक ही क्वेश्चन से दोनों एंगल समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, आपका एक ट्राइंगल दे रखा है भैया ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है भैया आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया ए बी और ए सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है राइट एंगल एट बी, और राइट एंगल कहाँ पर है भैया आपका, बी पर है, तो राइट एंगल कहाँ हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो गया बी पर। अगर ये कहता है राइट एंगल किस पर है, सी पर है, तो हम यहाँ बी की जगह क्या यूज करते भैया, सी यूज करते, और यहाँ पर क्या करते, बी यूज करते, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, तो बी हो गया ये, और ये क्या बन जाएगा हमारा, सी, ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपका ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें बी पर आपका राइट एंगल है। आगे कह रहा है ए बी कितना दे रखा भैया, 24 सेंटीमीटर, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है बेटा आपका, 7 सेंटीमीटर। तो बची कौन सी साइड आपकी, ए सी साइड बच रही है। तो इसको निकालने के लिए देखो, इसमें पहले तो ये देखना है निकलवा क्या रहा है क्वेश्चन में। जैसे मान लो क्वेश्चन में साइन बी है और साइन ए बी और साइन सी बी है, तो हम एक एंगल फिक्स नहीं कर सकते। हमें अगर एंगल ए लिया तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और एंगल सी लिया तो भैया ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो अभी कोई भी एंगल ना लेते हुए हम क्या कर लेते हैं, चलो तीसरी साइड निकाल ली हमको, थर्ड वाली साइड किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख दो कौन सा भैया, इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपका ए बी कितना देखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना देखा है भैया आपका 7 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है हमको, ए सी फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी एंगल मान लो, आप ए मान लो या फिर एंगल सी मान लो, मान लो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, एंगल सी मान लिया, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या बन गई, अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर क्या होती है, कल बताया था, अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर। तो ये बन गई परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड कौन सी होती है भैया, बेस, ठीक है। चलो किससे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो,
और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है भैया, यही होता है। चलो अब देखो निकालनी कौन सी साइड है हमें, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है भैया हमारी? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी, देखिए देखना परपेंडिकुलर है आपकी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है भैया? बेस है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया आपका? 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, और दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गए भैया आपके 625। हमें निकालनी कौन सी साइड है? ए सी साइड निकालनी है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे किस में जाएगा भैया? ये रूट में चला जाएगा। देखो ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो किस में गया? रूट में। तो 625 किसका रूट होता है? सीधी सी बात है, ये होता है भैया आपका 25 का। तो हमारी थर्ड वाली साइड जो ए सी कितनी निकल के आ गई भैया? 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ये आ गई हमारे पास तीनों साइड। अब कुछ नहीं भैया, तीसरी साइड निकालने के बाद अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए, तो जब हम एंगल ए के लिए निकालेंगे तो इनमें दोनों में अलग अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। चलो फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए निकालने तो छोटा सा डायग्राम बनाया भैया हमने, ये बना लिया ए बी और ये सी। एंगल ए लिया तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या बन गई है? परपेंडिकुलर बन गई। और भैया एंगल के साथ वाली साइड ये क्या बन गई आपकी? बेस बन गई। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज हमारी। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, इन साइडों को चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। जैसे यहाँ पर 24 है तो 24, 7 है तो 7 और 25 है तो 25। निकालना क्या है हमको? साइन ए निकालना है, और साइन ए किसके इक्वल होता है? कल एक ट्रिक बताई थी आपको उनको याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले। तो इसमें पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और साइन की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर कितना दिया है क्वेश्चन में? 7 दिया है, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है भैया? 25। तो साइन ए किसके इक्वल आ गया? 7 अपॉन 25 के। दूसरा निकालना है आपको कॉस ए, कोस ए किसके इक्वल होता है? देखो बेस अपॉन है हाइपोटेन्यूज, किस में देखना है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले में देखोगे तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना दे रखा है भैया इसमें देखना, सॉरी इसमें नहीं देखना हमको, एंगल ए के लिए इसमें देखना है। तो बेस हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 25। ये बिल्कुल क्लियर है भैया एंगल ए के लिए। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ निकालेंगे 4 एंगल ए सी, एंगल सी के लिए निकालोगे तो छोटा सा डायग्राम अलग से, ये रहा ए बी और ए सी, साइड आपकी वैसे ही रहेंगी 25, 7 और 24। बस चेंज क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज भी सेम रहेगा भैया हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ले रहे हैं सी, तो सी के सामने वाली साइड ये क्या बन गई? परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड कौन सी है भैया? बेस, ठीक है। निकालना क्या है हमको? साइन सी और कॉस सी। देखो साइन सी किसके इक्वल होता है? एंगल चेंज किया है बस और कुछ नहीं किया, यहाँ पर एंगल ए था और यहाँ एंगल सी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किससे? यहाँ पर देख लेना ट्रिक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और भैया परपेंडिकुलर क्या देखा है इसमें देखना? 24, हाइपोटेन्यूज कितना देखा है? 25। उसके बाद निकालना है कॉस सी, कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया बेस कितना देखा है? 7, और हाइपोटेन्यूज कितना देखा है? 25। यही क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो देख रहे हो आप एंगल चेंज करने पर क्या है आंसर, बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखो साइन ए लिया था तो 7/25, और साइन सी लिया था तो 24/25। ये हो गया बिल्कुल क्लियर। देखो दोनों एंगलों के लिए एक ही क्वेश्चन में बता दिया है, और अच्छा है इससे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कोट आर। हमें क्या निकालना भैया? टेन पी माइनस कोट आर निकालना है। तो पहले 10 की वैल्यू चाहिए, एक तो दो वैल्यू निकालनी है आपको, एक तो निकालनी है 10 पी की और दूसरी निकालनी है भैया आपको कोट आर की। तो ये वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास कितनी साइड हो? 3 साइड होनी चाहिए।
तो भैया दो साइड तो हमें क्लियर दिए, एक 12 सेंटीमीटर और दूसरी 13 सेंटीमीटर। थर्ड वाली साइड निकालने किससे निकालोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद टेन भी निकल जाएगा और कोट भी निकल जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सही है, वैसे ही करना है। तो देखिए भैया सॉल्यूशन है क्या हो गया, कौन सा ट्राइंगल दे रखा है आपका? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और क्यू क्या भैया आपका 90 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू कितना दे रखा है आपका बेटा? 24 सेंटीमीटर। पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और निकालनी कौन सी साइड है? क्यू आर फाइंड करनी है हमको, ठीक है। तो क्यू आर निकालनी है तो किसी एक को अभी क्या मान लेते हैं हम, राइट वो मान लेते हैं, एक्यूट एंगल मान लेते हैं। एक्यूट एंगल मान लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर और बेस। तो एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड होती है बेस, और लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड होती है कौन सी भैया? हाइपोटेन्यूज। कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब देखो भैया हमारे पास दो साइड दिए, तीसरी साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से भाई, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया आपकी? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास अभी दिया है, निकालना नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है भैया? परपेंडिकुलर है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस क्या दिया है? बेस कुछ दिया ही नहीं, बेस तो फाइंड करना है। तो बेस कितना भैया आपका? क्यू आर। तो क्यू आर का क्या निकालना है हमें? होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 माइनस, सॉरी इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर, ठीक है। 144 को इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। जो 144 प्लस का था इधर ले आए, माइनस का हो लिया। तो देखिए भैया 169 में से 144 गया तो कितना बच गया? 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर फाइंड करनी है तो क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगी? स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया तो किस में आ गया? रूट में। और रूट 25 होता है किसका बेटा? 5 का। तो क्यू आर निकल के आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तीसरी साइड या थर्ड साइड क्या निकल के आ गई भैया हमारी? थर्ड 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड है, कुछ भी निकलवा लो। क्वेश्चन में निकलवा रहा है 10p माइनस कोट आर, तो पहले 10p निकालना पड़ेगा और कोट आर निकालना पड़ेगा, तभी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है आपका क्या? 10p माइनस कोट आर। जब तक हमें 10p और कोट आर की वैल्यू नहीं पता चलेगा कैसे माइनस कर सकते हैं। तो देखो भैया 10p, अभी हमने कौन सा एंगल ले रखा है? इसमें आर ले रखा है, तो इससे कोट निकाल लेते हैं पहले। कोट किसके इक्वल होता है? देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये होता है पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन, और टेन का जस्ट अपोजिट कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख देंगे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, और भैया परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। 3 नहीं है, 5 आया, यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, 5 सेंटीमीटर आया ये। कितना है भैया? 5 सेंटीमीटर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया? 5 अपॉन 12। अब दूसरा निकालेंगे 10p, तो जब भैया एंगल पी दे रखा है यहाँ पर एक्यूट एंगल पी, तो इसकी साइड क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो जब हमने एंगल पी लिया तो ये वाली साइड क्या बन गई हमारी? परपेंडिकुलर। और ये साइड क्या बन गई भैया? बेस। तो 10p होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या बन गया अभी हमारा? 5, और बेस कितना बन गया भैया? 12। तो आंसर क्या आ गया? 5 अपॉन 12। ये हमने छोटा इसी में कर दिया, अलग से डायग्राम नहीं बनाया, एक ही वैल्यू तो निकालनी है। आप क्या कर सकते हो? एंगल पी, पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 5, पी के साथ वाली बेस, बेस कितनी हो गई? 12, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लो, 10p की वैल्यू कितनी आई है? 5 अपॉन 12 माइनस कोट की कितनी वैल्यू आई भैया? कोट आर की 5 अपॉन 12। दोनों आपस में कट गए, कितना आ गया आंसर? 0, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो थर्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।